अलीगढ़ में महज 2.5 साल की बच्ची की निर्मम हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। आम आदमी से लेकर फिल्मी सितारे तक इस दरिंदगी पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। और आपको बता दें कि अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र के बूढ़ा गांव में 31 मई को एक बच्ची लापता हो गई थी। बच्ची के परिवार वालों ने इसे लेकर थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। गुमशुदगी के ठीक 5 दिन बाद लोगों ने कूड़े के ढेर में कुत्तों के झुंड को एक शव जैसी चीज को नोचते हुए देखा। जैसे ही तेज दुर्गंध भी उन्हें आई, लोग नजदीक गए तो पता चला ये उसी मासूम का शव है जो 31 मई को लापता हुई थी। पहले आशंका जताई गई कि बच्ची से दरिंदों ने पहले हैवानियत की और फिर उसकी हत्या की। हालांकि पुलिस ने रेप की बात से इनकार किया है। पुलिस ने बच्ची की हत्या की वजह आपसी रंजिश बताया है और इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। बताया ये जा रहा है कि 40,000 रुपए के कर्ज में पीड़ित परिवार ने 35,000 रुपए वापस कर दिए थे और 5,000 को लेकर ये विवाद चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ मासूम की हत्या मामले में पुलिस लापरवाही बरत रही है, ये बात भी उजागर हुई। इसके चलते एसएसपी ने 3 दिन पहले लाइन हाजिर किए गए निवर्तमान इंस्पेक्टर केपी सिंह चहल समेत 5 पुलिसकर्मियों को गुरुवार देर रात को निलंबित कर दिया है। तो अलीगढ़ कांड पर देश का गुस्सा उबल रहा है, पुलिस की लापरवाही उजागर हुई है और 5 पुलिसकर्मी जो है निलंबित कर दिए गए हैं। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि 2.5 साल के मासूम की निर्मम हत्या की गई है और कहा जा रहा है सिर्फ 5,000 के लिए यह हत्या की गई है। 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। तो वही प्रियंका गांधी की तरफ से भी इस मामले को लेकर दुख जताया गया है। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करके दुख जताया है इस पूरे हत्याकांड को लेकर। तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 2.5 साल की मासूम बच्ची की जघन्य हत्या के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस की महासचिव ने ट्वीट कर इस घटना को अवमाननीय करार दिया है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। प्रियंका ने इस घटना पर ट्वीट करते हुए दोषियों को सजा दिलाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार वालों के प्रति अपनी सहानुभूति जताई है। इस घटना के राजनीतिक रूप लेने के बाद एसएसपी ने मामले में 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। तो ये ट्वीट आप देख पा रहे हैं, पहली तस्वीर परिवार वालों में शोक है, दूसरी तस्वीर प्रियंका ने दुख जताया है ट्वीट के जरिए। ज्यादा जानकारी के साथ अलीगढ़ से पंकज बघेल हमारे संवाददाता हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा हो इसकी मांग हर कोई कर रहा है, लेकिन पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जब राजनीतिक रंग चढ़ा मामले को, उसके बाद ही कार्रवाई क्यों हुई? जी, मैं बता दूं आपको कि यहाँ देर रात ही कल एसएसपी आकाश कुलहरी ने 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करते हुए सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं और जल्द से जल्द ही उन्होंने आश्वासन दिया है कि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द ही आरोपियों को सलाखों के पीछे गिर देकर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल पंकज, परिवार वालों का क्या रुख नजर आ रहा है इस वक्त, क्या कुछ कहा जा रहा है उनकी ओर से? परिवार वालों का अभी तक यही मानना आ रहा है कि देर से ही पुलिस ने कार्रवाई की है। अगर समय से पहले कार्रवाई की जाती तो शायद उनको और बेहतर लगता। अभी जैसे कि पुलिस ने अब कार्रवाई की है, 5 पुलिसकर्मियों को दोषी मानते हुए सस्पेंड कर दिया गया है, वही अभी तक आरोपी सलाखों के पीछे नहीं है। वो चाह रहे हैं कि आरोपी भी सलाखों के पीछे जाए तब उनको इस बात की तसल्ली हो पाएगी। बिल्कुल पंकज, जिस तरीके से मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या सरकार की ओर से कोई घोषणा की गई है, किसी तरीके की सहायता राशि या फिर कोई भी घोषणा जो सरकार ने की हो? अभी तक सहायता की कोई भी घोषणा ऑफिशियली नहीं हो पाई है। जैसे ही ऑफिशियली घोषणा होगी उसके लिए आपको अवगत कराया जाएगा। और पंकज, इसके अलावा जो है कांग्रेस महासचिव की तरफ से भी ट्वीट किया गया है, क्या कुछ कहा गया है ट्वीट के जरिए? वो आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए आपत्ति जनक टिप्पणी है। जिस तरीके से निर्मम हत्या की है मासूम बच्ची की, उस तरीके से अलीगढ़ के क्षेत्रवासियों में काफी बड़ा उबाल देखा जा रहा है। हर कोई चाह रहा है कि इस मामले को लेकर जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाए ताकि वो जेल जा सके और पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। बिल्कुल पंकज, 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, कितने आरोपी बताए जा रहे हैं मामले में? सीरम जी, मैं बता दूं, यहाँ आरोपी तो अभी तक जो चिन्हित नहीं गए हैं। पुलिस ने जो आरोपी पकड़े गए हैं वो अभी सही तरीके से मायने में देखा जाए तो वो सही आरोपी नहीं है।
पुलिस चाह रही है कि जो बाकी वास्तविक आरोपी है वही सलाखों के पीछे जाए, निर्दोष कोई भी न फंस पाए इसमें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंकज बघेल तमाम जानकारी देने के लिए। तो मासूम की हत्या पर ट्वीट किया है प्रियंका गांधी ने, और ये देखिए तस्वीरों में आप परिवार वालों का गुस्सा, गांव वालों का गुस्सा, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले यही मांग कर रहे हैं परिवार वाले। अलीगढ़ कांड से गुस्से में प्रियंका गांधी भी है और परिवार वाले भी हैं, पूरा देश गुस्से से उबल रहा है।